मदरसा कायम नहीं हुआ, मंदिर इस्लाम उस जमाने में नहीं था। आला हजरत से कहा गया, हुजूर मदरसा कायम हो, फरमाते थे कि चूंकि मैं चंदा कर नहीं सकता और खुद मदरसे के लिए जितनी जरूरत है वो मैं सब दे सकता, इसलिए ये तकलीफ नफ्स है जो मैं कर नहीं सकता, बियॉन्ड ऑफ माई कैपेसिटी में कैसे। लोगों ने देखा कि सब अगर मदरसा आयना हुआ ये बात की दबदेबंदी फैली जाएगी, क्या क्या होगा। तो आला हजरत को मनाने का एक बेहतरीन तरीका ये था कि किसी सज्जद को पकड़ो। आला हजरत को कोई बात अगर मनवानी हो तो निस्बत रसूल सामने लाई जाती थी, किसी सज्जद को सामने। एक सही साहब को पकड़ाओ, हजरत को आप ही चाहिए, और ये दूसरे जो आला हजरत के खुलाफा शागिर थे वो आए। सही साहब ने कहा कि मौलाना मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी शिकायत करता हूँ। अल्लाह हुआ काम के सही साहब, क्या गुस्ताखी की, मुझे माफ कीजिए। क्यों? मैं क्या, अगर आपने मदरसा नहीं कायम किया और मदरसा ना कायम करने की वजह से बेदीन लोग आगे बढ़ रहे हैं, इंसानी जहन को ए फैक्ट्री होल्डर, फैक्ट्री आपको मुबारक हो, आप मटेरियल बेस के ऊपर सामान तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमारे दारुल उलूम और मदारिस में मेरे दोस्तों ईमान और यकीन की बुनियाद पर इंसानों को तैयार किया जाता है, जहन बनाया जाता है, ईमान और यकीन को पिलाया जाता है। मेरे दोस्तों ये मीजान का तराजू हक को हिदायत का तराजू है, नर की जो हिदायत है ईमान और यकीन की राहों में हादी है, जानी की शरा शरीयत और तरीकत का जान दिलाती है, और हिदाया शरीयत और तरीकत और हकीकत और मारिफत की बात हो उसूल शासी, ईमान और यकीन के उसूल, जिंदगी और मौत के उसूल हमें बताता है, और सुल्लम और मुसल्लम मेरे दोस्तों ये वो स्टेयर हैं, वो सीढ़ियां हैं जो हमें हिंदी देता ही देती है और अकल भी देती है। मेरे दिलों मेरे दोस्तों ये अजीम फैक्ट्री है। आला हजरत की बारगाह में सही साहब हाजिर थे, सही साहब फरमाइए मैं हाजिर हूं, मुझे माफ कीजिए क्या। उन्होंने कहा बस मदरसा कायम की। अच्छा ये है तो ठीक है, मैं मदरसा कायम करता हूँ, लेकिन मदरसे का चंदा लोगों से मांगना मेरे से नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। हाँ ये मैं करता हूँ, पहले महीने का जो खर्च है वो मैं दूंगा, मदरसे का सारा खर्च पहले महीने का मुझसे लीजिए, और हामिद रजा हसन रजा हासा पहले आला हजरत के भाई वो पहुंचे, और उसके बाद उनके बाद फिर खुद से दूसरा। मेरे अजीज मेरे दोस्तों सुन्नी रजवी है कहेगी, सुन्नी रजवी सोसाइटी के आला की जो कुछ किसी हद तक हो रही है वो हो रही है, कोशिश की जो करो कि काले जहां दराज है और इसे दराज करो। लोडियम सिर्फ चंद आदमियों की बस्ती का नाम नहीं, लोडियम अहले सुन्नत जमात के मसलक के सदर दराज। आप ये ना समझेंगे 353 बस्ती एक में मकान, एक मकान नहीं, ये एक सेंटर है। और जो इसकी हैसियत है, जो इसकी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक आपको काम करना है। आपके सामने नस्बतों की बहारें, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन आपके सामने है, और भी दूसरी किताबें, इसके लिए
जाहिर है कि कुछ करने की जरूरत है। कोशिश कीजिए कि सेंटर सुन्नी रस्वी सोसाइटी इंटरनेशनल लोडियन बयान कर सेंटर खान खाए कादरी यार दबीजा इमाम अहमद रजा और रोशे पाक के पैदान कर और इसमें हम सारे सुन्नी मुआविन हैं। पर इसके लिए कोशिश की जरूरत है। अजीजों दोस्तों, जाहिर है कि जिस जाते गिरामी का हम जिक्र कर रहे हैं हम खत्म हो सकते हैं, जाकिरीन दुनिया से जा सकते हैं, मुकर्रीन दुनिया से जा सकते हैं, लेकिन वो जाते गिरामी उसके वसअत इल्मी का हाल ये है कि 75 नॉलेज पर अल्लाह ने उन्हें कंट्रोल दिया है। इसलिए इमाम अहमद रज़ा का पैगाम आपके सामने, आइए कोशिश कीजिए शाने से शाने मिलाकर। और याद रखो हमारी सोहबत जो यहां है आखिरत में यहां होगी। जिन अफगानों के दामन से हम वाबस्ता हैं वहां भी हम वाबस्ता रहेंगे। सुन्नी रज़वी सोसाइटी को, लोडियम के मुसलमानों को 12 एनुअल उर्स कादी रज़वी मुबारक हो। खुदा करे कि यह सिलसिला कयामत तक जारी रहे। क्यों रजा आज कड़ी सुनिए, क्यों रजा आज कड़ी सुनिए, उठ मेरे धूत मचाने हम